good. ये बूढ़ी गंडक का नज़ारा है। आज बूढ़ी गंडक में फिशिंग करने के लिए आए हैं। बूढ़ी गंडक में शिकार करने के लिए आए हुए हैं, रेहू और बाम का शिकार करने के लिए आए हुए हैं। और ये मेरा स्पेशल बाइट है जो खुद बनाकर इसे रखा हूँ, स्टोर किया हूँ। जब ज़रूरत जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग मैं निकाल के यूज़ कर लेता हूँ। आप भी इस तरह से बाइट्स बना के रख सकते हैं। और ये कुछ स्पेशल नुस्खे हैं जो इंशाल्लाह मैं एक स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगा कि ये एक्चुअल में है क्या और इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और इससे कितना ज़्यादा अटैक बढ़ जाता है। और मैं आया हूँ तो कुछ प्लान नहीं था, रेंडम आ गया हूँ। और हमारे पास ये आटा गूंधने के लिए अभी सामान नहीं है तो मैं यही स्टोन का यूज़ करूँगा। इसमें इस्तेमाल करना है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। 3 फीडर ही खेलेंगे और झब्बा खेलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जितना आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी को यूज़ कर लेंगे। कन यूज़ करेंगे जैसे कन इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद आप नॉर्मल जिस नदी के पास आप शिकार करने जाते हैं तो वहाँ आप उसी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करेंगे, इतना करेंगे कि नॉर्मल टाइट हो जाए। मिक्स कर ले, इसे बढ़िया से मिक्स कर ले। आप इस तरह से अंगूर गुच्छा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी हुक है उसमें इस तरह से लगाकर आप फेंक दें। इस तरह से सारे बंसी में अंगूर गुच्छा का इस्तेमाल करेंगे, ये लगा लेंगे उसके बाद फेंकेंगे। इसको बढ़िया से टाई कर लेंगे। आज जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वो रॉड ड्रिल नहीं है और ये चकरी का इस्तेमाल करेंगे। ये देसी जुगाड़ है, ये बड़े बड़े जो फिशरमैन होते हैं वो यूज़ करते हैं और देसी टेक्निक्स भी होता है। अभी रॉड ड्रिल से इस्तेमाल करते हैं लोग। ये अंगूर गुच्छे को लगा रहे हैं। लग गई, एक मछली लगी है, वो निकाल रहे हैं। सब हम लोग एक टीम के साथ तो फिशिंग करने के लिए आते हैं। ये हमारे टीम के मेंबर हैं। और ये जो नदी है बूढ़ी गंडक है, मछली तो देखने में छोटी सी लग रही है, ये रेवा है। वाओ, वो भी छूट गई, लो सो सैड, वो भाग गई यार। कसम से ऐसा मोमेंट होता है तो काफ़ी माशाल्लाह, सुपर साइज, क्या बेहतरीन साइज। एक और मछली लगी है, देखते हैं ये कौन सी मछली है। ये भी रेवा ही लग रही है। वो ये भी भाग गई, लो ये भी भाग गई। ओ भाई साहब, ओ भाई, क्या जबरदस्त मछली, क्या क्या करवा रहा है यार। मछली भाग गई यार। एक और मछली बसराही लगी थी लेकिन मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जब ये मछली लगी थी तो मैं दूसरे तरफ था। जब तक मैं यहाँ पे पहुँचा तब तक ये मछली पानी से बाहर आ चुकी थी, इस वजह से इसका लाइव भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। काफ़ी तंदुरुस्त मछली है ये, लगभग 750 ग्राम के समथिंग होगा। चलो